तो गाइस जैसे मैंने कहा था हम तहज्जुद पढ़ेंगे, हमने पढ़ ली है, वो हो गई है ख़त्म। और अब बज रहे हैं 4:30, 5:30 तक अपनी सहरी है, तो चलते हैं रानी मर्जी को उठाते हैं। पढ़ रही है नमाज, सूरी जा नमाज रोज़ा तुफ़ैल के नाम की है जो सोया हुआ है खुद। तो हम उठाने आए हैं रानी मर्जी को, पहले बहुत टाइम लगा थी उठने में, पता नहीं उठी। रानी बाजी, रानी बाजी, रानी बाजी, लेट हो गया, 5 बज गए, उठना नहीं है। 5 बजे अब यार करती दिखाती हूँ आपको, कुछ ऐसे हालात हैं इनके कि उठ नहीं पा रही है। फोन क्यों पकड़ा है तूने? लेट हो रहा है इसीलिए। तू फोन से क्या कर रही है? मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे फैंस को दिखाना चाहती हूँ तुम कैसे उठती हो, तुम उठ नहीं पाती हो तू सुबह। मेरा फोन लिया है? नहीं, तू उस पे क्या कर रही है? उठ जा। तू ब्लॉग बना रही है? ओ शिट यार, तू सुबह सुबह कैसे ब्लॉग बना सकती है? तो उठ रही है कि नहीं? यार मेरे पास 2 मिनट थे, मैं उठूंगी। ओके। उठी हुई है हीर भी, जो सहरी के लिए उठी है ऑब्वियसली, ये भी सहरी खा के नमाज पढ़ के सो जाती है। काम करिए, हम देखेंगे कि सईदा हुफ्जा उठी है कि नहीं उठी है, वो भी हमें अभी पता चल जाएगा क्योंकि हम उसको कॉल करते हैं अभी, ठीक है? तो देखते हैं उठी है कि नहीं। 4:37। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to... दो शुक्रान की भी पढ़ लेनी थी, अब दो दो बाकी भी पढ़ लेनी थी। चलो ठीक, सहरी की ओके ब्रो, उठी उब सा कॉल के लिए उठा रही थी, नमाज पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, चंगे होंगे। तो गाइज सहरी का मैं इसलिए हंस रही हूँ थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि आज मेरे फ़ोन से मतलब एलार्म लॉक करी थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा फ़ोन भी निकाल लिया, मैं सोई हुई थी, फ़ोन भी ले लिया, व्लॉग भी बना लिया, व्लॉग स्टार्ट भी कर लिया। तो देखिए एलार्म के थ्रू आज ये व्लॉग बन पा रहा है, क्योंकि एलार्म ने स्टार्ट कर दी वीडियो और फिर बनाना ही पड़ा व्लॉग, ठीक है? मैं सोई हुई थी एकदम, उससे फ़ोन उठा लिया और उसके बाद व्लॉग बनाने शुरू हो गई, तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, गुड। तो गाइज अभी हुआ है सहरी का टाइम और उठेंगे और आधी वीडियो इरम भी कंप्लीट करेगी और आधी मैं भी, क्योंकि अब इरम ने स्टार्ट किया था, उसको भी दिखाना पड़ेगा, उसको भी पता चले व्लॉगिंग कैसे करते हैं ना। तो और वैसे इरम को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है मेरे और हफ्जा के साथ रह कर। तो अभी हुआ है सहरी का टाइम और अभी पहले हम खाएंगे सहरी, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती ज़्यादा लेट हो जाए और मैं ज़्यादा कम खा पाऊँ। तो आई होप कि आप सब भी उठे होंगे, सहरी खा रहे होंगे, और सब अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि कौन कौन उठता है जल्दी, और इरम की तरह तहज्जुद पे कौन कौन उठता है, और आप लोग सहरी पे क्या क्या खाते हैं। तो अभी हम उठते हैं पहले और पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे फिर से बात करती हूँ, तब तक आप आराम करो। तो सहरी कर लिए हमने, अभी खा भी लिया है सब कुछ और अभी ख़त्म हो गया, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे नमाज, और आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा ये खाने पीने के बाद एकदम ब्लैंकेट में घुस गया, इसको पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से घड़ी वड़ी भी गिराने लग गया था कि आज सहरी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। तो बड़ा ही सुकून मिलता है यार सच में सहरी पे उठने से, और फिर नमाज शमाजें पढ़ने से बहुत मज़ा आता है। इरम तो उठ जाती है तहज्जुद पे, और मैं भी कोशिश करूंगी कल से कि मैं भी तहज्जुद पे उठ पाऊँ, लेकिन उसको क्या हो गया उससे भी पूछेंगे कि वो क्या हो गया, और ये देखो शमशेर कहाँ जा रहा है। तो अभी उठते हैं और पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर आपसे मैं थोड़ी और बातें करूंगी, उसके पास सोना भी है मैंने। तो फैल तुझे क्या हो गया, तो क्या बिस्तर पे घुस गया है अजीब तरीके से? नमाज नहीं पढ़नी है? इसमें क्यों बैठा है ऐसे? तो शमशेर तुझे कैसे देख रहा है? वो ये है ओ आराम तो यहाँ पे बोल रहा है, जल्दी किया आज बहुत ज्यादा आराम तो मेरी हीर तो कर रही है मेरी जान। तो इधर तो देख क्या कर रही थी तो मेरा फोन लेके सुबह सुबह आज व्लॉग बना रही थी, तो बनाना नहीं है अब?
अभी नमाज के बाद. ओके तो गाइस पढ़ ली है अभी नमाज भी मैंने और काफ़ी ज़्यादा सुकून फील हो रहा है. मतलब आप बता नहीं सकते, मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद एक अलग ही सुकून आ जाता है. आप सब भी पढ़ रहे होंगे और आप सबको पता होगा कि कितना अच्छा सुकून फील होता है. तो अभी हो गया है हमारे आज डे 3rd का रोज़ा और बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े. बहुत अच्छा मौसम भी है और प्यास भी नहीं लग रही, भूख भी नहीं लग रही, बट रोज़े रखे जा रहे हैं हम लोग. लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मतलब इस बार रमज़ान में ना बहुत अच्छा लग रहा है. हर बार ही अच्छा लगता है, इस बार भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. और आई होप कि मैं आपको पूरा दिन दिखा पाऊँ कल का, कि आज का कि कैसा होने वाला है सब कुछ और क्या क्या करने वाली हूँ मैं. तो आपको दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी. बहुत अच्छा लगा. बट थैंक्स टू एराम, थैंक्स टू एराम जिसे व्लॉग स्टार्ट किया. नहीं तो मैं तो पूरी वैसे थी, मतलब कि हाँ किस दिन बनाऊँगी मैं रमज़ान में व्लॉग, ऐसा ऐसा कुछ. तो बट हो जाएगा होपफुली. तो कोई बात नहीं, मेरे पिछले भी पुराने व्लॉग्स ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे. मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था मेरा बांडीपोरा का व्लॉग ऐसे ही है, उसके बाद एक और बनाया था ऐसे ही पड़ा हुआ है. मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि शायद मैं व्लॉग्स को ना एंड नहीं कर पाई अच्छे से. तो बट नहीं है, बना लूँगी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से. और आप भी अपना ख्याल रखिए, हम अब सुबह मिलते हैं. अभी के लिए मैं सो जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और सोना भी चाहिए क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है. तो फिर कल हम इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे और कल मैं आपको पूरा बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और काफ़ी ज़्यादा लेट थोड़ा उठ गई हूँ मैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ज़ोर की नमाज़ हो जाए. एंड नमाज़ अदा करने के बाद थोड़े काम है मैंने जो करने हैं. थी ना, है ना मामा, हेल्प कर रही थी ना, अच्छी हेल्प की ना मैंने. कितना साफ क्या, कितनी साफ सफाई की मैंने बताओ. कुछ मत पूछो. हाँ तो लेकिन की ना मैं, मतलब जितनी हो पाती हूँ मुझसे उतना तो करती हूँ ना. तो आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती इससे. मैंने एटलीस्ट किया है ना, मतलब जितना इंसान से हो पाता है उतना तो करना चाहिए ना, उतना मैंने कर लिया. अब बंदा थोड़ा थक जाता है काम करते करते, चलो वो अलग बात है. तो और मैं सुबह से यही कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा बातें कर चुकी हूँ वैसे सुबह से. मैं हुफ़्ज़ा से बात कर रही थी फ़ोन पर और मैंने बहुत बातें कर ली है. मतलब वो मुझे लिटरली पूछ रही है आपका रोज़ा है, तो यार भाई रोज़ा है मेरा. तो फिर ऐसे ही हो रहा था. फिर मैं हीर के साथ खेल रही थी और शमशेर के साथ और मामा को बहुत परेशान कर रही थी और इरम को भी परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा. इससे आपको मिलेंगे कुछ ख़तरनाक लोग यहाँ पे जो मुझे कल उठाकर खुद गायब हो गए. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक. अच्छा कल रात को क्या इरादा आया था फोन लेकर फिर व्लॉग करने का? ऐसी नींद से जो, तो मैंने सोचा काफी टाइम से तुमने व्लॉग बनाया. थोड़ा जोर से बोलो, मुझे लग रहा है तुम्हें रोज़ा चढ़ गया. चढ़ गया मुझे आज. मैंने सोचा काफी टाइम से तुमने व्लॉग बनाया भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही स्टार्ट करती हूँ. अच्छा कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है तुम्हारी? इरम राजपूत. तुम्हें भी चले जाए, तुम्हें भी देखें. अच्छा अच्छा, तुम्हारे व्यूअर्स मुझे देखेंगे. अच्छा ठीक है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं बस बाकी कुछ, बाकी मैं चाहती थी कि तुम्हारी चैनल थोड़ी मेरी वजह से रन अप करे. अच्छा इसीलिए तुमने सुबह सुबह व्लॉग किया है. गाइस देख लो मेरी चैनल ना इसी की वजह से चल रही है, इसी की वजह से रन अप भी हो रही है. तो मतलब इसके जो फैंस हैं ना, तो वो प्लीज मुझे भी फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें. राजपूत को फॉलो करेंगे. आप इतना हिल क्यों रही हो इरम राजपूत? अभी थोड़ा मुझे लगता है आप स्टेबल नहीं हो, मुझे लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं. एग्जैक्टली, अभी थोड़ा ना नमाज का वक्त हो गया. अच्छा अच्छा, मुझे अभी नमाज पढ़ने के लिए जाना. पढ़े आप, पढ़े आप, पढ़े आप, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इवन की हमें भी नमाज पढ़नी है. मैं इनसे बात कर चुकी हूँ उससे पहले, बट मैंने कहा था कि मैं चलो जोर के बाद बात करूंगी और फिर अब तुम आ गई थी तो तुमसे मिलाना भी बहुत जरूरी था. डोरेमोन लग रही हूँ मुझे. तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बंदा मस्जिद भी जाता है ना, तो हेयर ड्रायर करके जाता है. पता नहीं वहाँ इसने ऐसा क्या करना होता है. तो पहले तो मस्जिद क्यों जाते हैं हेयर ड्रायर करके? हाँ तो मस्जिद क्यों जाते हैं हेयर ड्रायर करके? तो मतलब तू मस्जिद पे क्यों जाता है इतना, मतलब अपने बाल बना के? मतलब चलो बंदा ड्राई तो अलग तरीके से कर लेता है, लेकिन तुम तो पूरा हेयर ड्राई करके जाते हो. खुदा के घर जा रहे हो तो वहाँ भी सज दज के जाना है. हाँ ये बात इस बंदे ने बड़ी सही कही. एक्चुअली तो पहली बात बड़ी सही थी क्योंकि ऐसे तो हम मतलब कहीं भी जाते हैं तो बड़ा सज दज के जाते हैं. मतलब चलो खुदा के घर जा रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे से जाना चाहिए, काफ़ी सज दज के, क्योंकि खुदा का घर है. तो इसने ऊपर वाले को भी तो इम्प्रेस करना है ना.
तो फिर अभी इसको भी जाने देते हैं मस्जिद के लिए, जाएगा नमाज के लिए और हम भी पढ़ेंगे। हम खाएंगे ट्रीट ट्रीट ट्रीट। खुल रहा है, इसमें से निकल रहा है कुछ। ओहो, इसके नेल्स काट रहे हैं हम, इसको धोखा देके। मतलब हम इसको ट्रीट खिलाते ना, बड़ी बड़ी ट्रीट। तो ये अभी भाई ना मतलब आया हुआ था एक पीआर पैकेज मेरे लिए। किसका है? हैट्रिक, हैट्रिक फूड्स का है। तो अभी हम इसको भी ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें क्या भेजा हुआ है उन लोगों ने इफ्तारी के लिए। तो देखें ज़रा अपने शुभ। तो फिर ये भेजा हुआ है इन लोगों ने कुछ इफ्तारी के लिए, अपने डोनट्स और ये सब कुछ। और वो वैसे इतना ही है, तो ज़्यादा कोई खास नहीं लगा मुझे कोई, बट ठीक है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ क्योंकि मैंने कुछ जाना है, थोड़ा बहुत काम है मुझे जो करना है, बहुत ज़रूरी काम। और फिर इसको मैंने उठाया अपने साथ में, अब ये भी चला गया, बहुत आराम से बैठा हुआ था और कोई गेम खेल रहा था, कोई जुआ खेल रहा था ये रोज़ों में, कुछ तो खेल रहा था, कुछ तो ऐसा वाला खेल रहा था। डेमो अकाउंट पे खेल रहा था मैं, डेमो अकाउंट पे, लेकिन कोशिश तो वैसे ही कर रहा था कुछ खेलने की, बट ठीक है। मतलब मैं देखा अचानक से कुछ 10x 3x, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी गेम खेल रहा होगा, ठीक है, मेरे को ज़रूर पता होना चाहिए। और अभी मैं जा रही हूँ कहीं एक इम्पॉर्टेंट इंसान के पास, आपको दिखाऊँगी कि फिर किसके पास जा रही हूँ मिलने। और यहाँ से निकल रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप है आज, बहुत अच्छा मौसम है। अब घर पे थे, बहुत आराम से बैठी थी, लेकिन अभी यहाँ से निकल के जाना है कहीं, तो मैंने थोड़े बहुत काम है जो मुझे इफ्तारी से पहले ख़त्म करने है, और इफ्तारी के बाद भी मैंने अपनी कज़न से मिलने जाना है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से और तुफ़ैल के साथ इंजॉय करते हैं इस ड्राइव को। क्यों मैंने जहाँ आना था, बहुत ज़्यादा काम था मुझे यहाँ पर, बट आपको दिखा देती हूँ कि किसके पास आना था। आना प्लीज़। रोजा लगा हुआ है लड़की को, बहुत गंदी हालत हो गई इस टाइम। कैसा लग रहा है आज रोजे का तीसरा दिन है, क्या है तुम्हारे रिव्यू? मतलब पता ही नहीं चल रहा है तीसरा रोजा कब है, पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी। भूख तो नहीं लग रही है आज? लग रही है थोड़ी, आज लग रही है प्यास, प्यास नहीं भूख थोड़ी। सोई हुई थी इसको मैंने बड़ा परेशान किया, कुछ काम था हमें पहले उन्हें निपटाते, उसके बाद मैं आपको फिर से मिलूंगी, अभी हम पहले काम कर लेते हैं। तो गाइज वापस आ गई हूँ मैं अभी घर, बहुत ज़्यादा थक गई मैंने हफ्जा, और मैंने कुछ काम था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे कुछ स्टोर का काम था जो हम कर रहे थे, तो उसके बाद अभी वापस आई हूँ। और कुछ बांडीपुरा से मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए थे मिलने के लिए, जो उनसे मिल के गए। मैं काफ़ी ज़्यादा उनको बोला था कि रुक जाओ, लेकिन वो लोग नहीं माने और कह रहे थे कि वापस जाना है वापस जाना। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बट वो मिलने आए, मेरे साथ तुफ़ैल भी था, एंड देन हम गए, हमें कुछ काम था साथ में हम सबको, हम वो काम करके भी वापस आ गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बट अभी आकर वापस आकर मैंने नमाज़ पढ़नी है पहले, नमाज के बाद फिर इफ्तारी की तैयारी करनी है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत। आप मुझे बताना कि आप लोगों को रोज़े में क्या ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है? बट ऐसे है कि मुझे प्यास और भूख नहीं लग रही, मुझे थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ब्लड डोनेट किया था हंदवारा में, शायद में भी तभी मुझे ऐसा हो रहा है, बट अभी थोड़ा ठीक ही है। और बाहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा था, अभी गाड़ी में बैठी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, बहुत अच्छी अच्छी खासी गर्मी थी, मतलब बहुत अच्छी धूप भी थी और ठंड तो नहीं लगी। अभी अंदर चलते देखते अंदर ये लोग भी क्या कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ की देखते हम क्या करेंगे। क्या इफ्तार कितने बजे है यार? इफ्तार कितने बजे है? तुम क्यों अभी पूछ रहे हो इफ्तार का, अभी तो इफ्तार की बात ही नहीं है। बाजी वाह, ये हमारी जो है फातिमा जी कर रही हैं यहाँ प्रिपेयर इफ्तारी के लिए। आप क्या बना रही हैं? ड्राई फ्रूट्स आप कट कर रही किस चीज़ के लिए? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इफ्तार की बबरी, हाँ शाही खीर भी बनानी है, कस्टर्ड बनाऊंगी, कस्टर्ड कस्टर्ड, हाँ ठीक है मैं कस्टर्ड भी बनाऊंगी, हाँ बना। चलो गाइस मैं चलती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर आप तब तक इरम से बात करिए, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। अभी हो रही है इफ्तार की तैयारी, अभी बजे हुए हैं 5:30, तो बबरी वो पानी में डाल के रखी हुई थी, भिगो के रखी हुई थी, वो स्वेल वगैरह हो गई अच्छे से, तो मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी उसके लिए, और आनी बजी को भी कस्टर्ड बनाना है फिलहाल, तो नमाज की तैयारी करेंगे, मैं ये कंप्लीट करके उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस मैं कर रही थी तैयारी और तैयारी की,
देखते हैं मामा क्या कर रही है। आप क्या कर रहे हो? दाल का तड़का लगेगा इसमें। हम क्या घी भी ये सब डालने वाले हो? अदरक भी डाला है। तो आज फिर दाल खाने को मिलेगी। हाँ बड़ी टेस्टी लग रही है। दाल किस किस को पसंद है ना सब बताना। वैसे तो यूजुअली सबको ये दाल पसंद है, राजमा की दाल। तो इसमें भी तड़का लग रहा है। अभी हम वेट करेंगे और क्या कर रहे हैं। वैसे हम सब तैयारी कर रहे थे, तैयारी की, और वहाँ पर बन रही है हमारी चाय भी रेडी हो रही है। और अब हम जाएंगे, हम फिर हमने ये भी बना लिया है। ओके अब हम जाएंगे, हम देखेंगे एरन क्या कर रही है। हाँ मैम कुछ मैं सोचता मैं चोरी चोरी देख लूँ तुम क्या कर रही। कुरान पढ़ रही थी फोन पे, इधर देखो कुरान पढ़ रही थी फोन पे। तो हमने सोचा हम जब तक इफ्तारी का टाइम नहीं होता है तब तक इरम को थोड़ा तंग किया जाए, है ना। तो कैसा लगा तुम्हें? थोड़ा बहुत ब्लॉग करके तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। ब्लॉगिंग करके तो क्या है तुम्हारे ख्याल कंटिन्यू करने का है चैनल हड़पने का? आप ये भी बताना कि आपको किसकी शक्ल देख के लगता है कि कौन इंसान खत्म हो चुका है पूरा रोजे रख के, और कौन फिर इसको एनर्जी है इतनी ज्यादा, आप देख ही सकते हो। पानी पूरी राइट, कोई बात नहीं, हम ट्राई जरूर करेंगे तुम्हें पानी पूरी खिलाने की। आई होप कि हम जा पाए। बट उसके पास अच्छी नहीं थी गुलाब के पास, मतलब गुलाब के पास अच्छी थी नहीं, मतलब उतनी अच्छी गुलाब के पास उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब उतनी ज्यादा टेस्टी एक्सपेक्ट जैसा कर रहे थे ना वैसा टेस्ट नहीं था। बट अब तो हम आज तक कंटिन्यू व्लॉग करें या ना करें वो भी बता दें आप कमेंट सेक्शन में। ना करोगे तो भी मैं करूंगी, और आप हाँ करोगे तो भी ये करेगी, लेकिन हाँ करने से ना बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है पता। तो आप लोगों ने हाई करनी है पता है आप लोगों को, बट फिर भी हाँ अपनी मर्जी से आप लोग अब कमेंट्स में कर सकते हो कि अगर मेरे साथ ब्लॉग कर रहे हैं चाहे मतलब, और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको मेरे साथ हमेशा देखना तो फिर हो सकता है कुछ हम भी सोचे। हाँ तो प्लीज बताइएगा और इफ्तारी करें, और तब तक के लिए मैं आपसे फिर दोबारा से मिलूंगी इफ्तारी के बाद। तो तब तक आप इफ्तारी करें और दुआ में मुझे याद रखिए। हम इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो मैं अभी बाहर मैं कजन के साथ गई हुई थी और अब वापस आई हूँ, तो हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ा साथ में टाइम भी स्पेंड कर लें, और हम काफ़ी लोग गए हुए थे तो अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। अभी मैंने वापस आके तरावी पढ़ी है और अभी अपने लिए दुआ की है और घर वालों के लिए दुआ की है, बाकी सब लोगों के लिए दुआ की है, और आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं आप लोगों को मिले, आप लोग हमेशा खुश रहे, सही रहे, हंसते रहे, सलामत रहे। और आई होप कि आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। तो गाइज़ अभी इन दिनों ना मतलब जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है नमाज़ पढ़ के सीरियसली, और आपका ये 5 टाइम का नमाज जो पूरा हो रहा है ना बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो अब इरम की वजह से मैं तहज्जुद पे भी उठ जाती हूँ क्योंकि इरम हमेशा पढ़ती है। तो अभी बहुत अच्छा माहौल मतलब रमज़ान की वजह से हुआ हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप कि आप भी अपने रमज़ान को इन्जॉय कर रहे होंगे, बड़ा मज़ा हो रहा होगा आप लोगों को। और मैं पूरा मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अभी और ब्लॉग्स आगे डालूँ रमज़ान में, तो और आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा। बट आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे वीडियोज़ आप इन्जॉय कर रहे होंगे। अभी तो पहली बार मतलब मेरा कुछ ऐसा रमज़ान का ब्लॉग आया है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप ढेर सारा प्यार देंगे और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, और आप सबको रमज़ान मुबारक, और सब खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। खुदा हाफिज़।